दोस्तों नमस्कार, कहिए कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज का दिन भी बहुत ख़ास होने वाला है, क्योंकि आज मैट्रिक का रिज़ल्ट किसी भी वक्त आ सकता है दोस्तों। तो ये वीडियो जो है सही मायनों में बहुत ही ख़ास है उन सारे विद्यार्थियों के लिए, उन सारे परीक्षार्थियों के लिए जिन्होंने मैट्रिक का परीक्षा दिया है और उनको अपनी रिजल्ट का बेसब्री से इंतज़ार है। दोस्तों इस हर रिजल्ट की भांति ये रिजल्ट भी लगभग लगभग सेम रहने वाला है। कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, कुछ लोग खुश होंगे और कुछ लोग दुखी होंगे, और कुछ लोग दुखी होकर पता नहीं क्या क्या करने लगते हैं दोस्तों। तो जो लोग क्या क्या करने लगते हैं दुखी होकर, मतलब रिजल्ट जब उनके पक्ष में नहीं आता है तो उनके मन में क्या क्या थॉट्स आती है और ये वो क्या क्या गलत सोचने लगते हैं, उनके रिगार्डिंग ये वीडियो है दोस्तों। दोस्तों ये जो रिजल्ट है मैट्रिक का रिजल्ट, जिन बंदे जो पास हो जाएंगे, अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे, उनके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। और जो फेल हो जाएंगे, अनुत्तीर्ण हो जाएंगे अपने क्लास में, उनको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, उनको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि क्या होता है कि 1 साल की मेहनत आपने कितने की है, 1 साल में आपने मेहनत कितने की है, किस हिसाब से पढ़ाई किया है, उसी का रिजल्ट है ना। तो उससे घबरा कर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। बहुत सारे लड़के सुसाइड कर लेते हैं। सुसाइड वो लोग करते हैं जो बहुत ही कायर होते हैं। कुछ लोग सुसाइड करने की कोशिश करते हैं, और सुसाइड करने इन द सेंस कि माता पिता भी उनको सपोर्ट नहीं करते हैं, भाई उनको सपोर्ट नहीं करते हैं। ये वक्त होता है उनको सपोर्ट करने का। जो विद्यार्थी आज के दिन में रिजल्ट जिसका आउट हुआ है, अगर गलती से वो फेल हो जाता है तो माता पिता उनको कोसना शुरू करते हैं, उनके भाई उनको, उनके साथी उनको कोसना शुरू करते हैं, उनका जीना हराम कर देते हैं। दोस्तों ज़रा सोचिए, जो लड़का फेल हो जाता होगा वो कितने दुख में होगा, कितने दर्द में होगा, कितने टेंशन में होगा। उस टेंशन को हल्का करने की ज़रूरत है, उनको हील करने की ज़रूरत है, उनको सॉल्व करने की ज़रूरत है, ना कि जो बंदा पहले से परेशान हो उसको और परेशान किया जाए दोस्तों। दोस्तों जिस बिंदु के पास, जिन लोगों के पास मेरा ये वीडियो पहुंच रहा है, प्लीज़ इस वीडियो को वायरल कर देना दोस्तों। चाहे किसी, जिससे क्या होगा, किसी स्टूडेंट की, किसी छात्र की जान बच सकती है, किसी माँ की गोद सुनी नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्यार भरा प्रार्थना है दोस्तों। तो दोस्तों उन स्टूडेंटों के लिए मेरे को हाथ जोड़ कर प्रार्थना है कि प्लीज़ आप सुसाइड करने की गलती नहीं करना दोस्तों, क्योंकि मैट्रिक का परीक्षा ही आपके जीवन का अंत नहीं है। मैट्रिक आप दोबारा एग्ज़ाम दीजिएगा, दोबारा अच्छे तरीके से मेहनत करके अपने आप को आपने प्रूव करना है, अपने आप को आपने प्रूव करना है कि आई एम द बेस्ट। एज ए मोटिवेशनल स्पीकर आई पर्सनली बिलीव दैट कि अगर आप मेहनत करेंगे तो आपकी मेहनत कभी खाली नहीं जाएगी दोस्तों। दोस्तों ये लाइफ इतनी कीमती है ना, इट इज़ सो ब्यूटीफुल, इसको ऐसे ही गंवाने नहीं देना। उन पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अपने बच्चों को संभालें, आज के दिन में कम से कम संभालें, आए आज के दिन में ही नहीं, कम से कम अगले 1 वीक तक उनको संभाले, अपने पास रखे। कोई बात नहीं बेटा, रिजल्ट हमारे फेवर में नहीं आया, कोई बात नहीं, फिर से मेहनत करना, फिर नेक्स्ट साल एग्ज़ाम दे देना, और उनको अच्छा से ट्रीट करना है। नहीं तो दोस्तों मेरे को इतना दुख लगता है कि एक स्टूडेंट जो 18 साल का भी नहीं है ढंग से, 15 साल 16 साल के होते हैं तो मैट्रिक पास करते हैं, है ना, तो वो सुसाइड कर लेते हैं, कितना दुख का समाचार होता है ना। एक स्टूडेंट के अंदर इतनी माने मानसिक क्षमता कम है जो सुसाइड तक का अटेम्प्ट करे। तो दोस्तों सुसाइड नहीं करना है, सुसाइड इज द नॉट सॉल्यूशन। हमने आगे बढ़ के असफलता ही सफलता की जननी है, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आगे कदम बढ़ाना है और अपने आप को प्रूव करना है दोस्तों। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा, ठीक है दोस्तों। और अपने बच्चों को, अपने भाई को, अपने साथी को, अपने दोस्त को प्लीज़ समझाने की कोशिश करना है, और इसी विश्वास के साथ कि आप हमारी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे और अपने बच्चों को, अपने दोस्त को, अपने भाई को
कि लाइफ को बचा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा ताकि किसी न किसी भाई की जान बच जाए और वो आपके साथ ज़िंदगी भर सर्वाइव कर पाए और आपको थैंक यू बोल पाए। तो दोस्तों इसी प्रकार की रोचक खबरें देखने के लिए, प्रेरक खबरें देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों अगला वीडियो मेरा नेक्स्ट आने वाला है, जो स्टूडेंट मैट्रिक पास कर लेते हैं तो अपने करियर के चुनाव किस प्रकार से करें, किस सेक्टर में जाए जो उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।